सिलेबस पहले बात करते हैं, और हम मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे, फिर वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से चेक करा क्या है जीवन और जगह में पास है, ये पास सिलेबस है, पास है। चलिए क्लियर है, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। हम लोग सिलेबस की बात करें, क्लियर आवाज आ रही हो आप लोग सभी को? अगर हम लोग सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा आपके पास जो जेट का है तो सारा सिलेबस क्या है, तो नेट सीएसआर का है, क्लियर है। इसी के अंदर टॉपिक आपके पास है लिनियर अलजेब्रा, जो अच्छा खासा टॉपिक है और बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, और साथ में इसका जो वेटेज देखा जाए तो लगभग आपके पास इस टॉपिक का वेटेज की बात करें हम लोग, तो अगर नेट का एग्जाम हो, नेट सीएसआर का एग्जाम हो, तो लगभग बोल सकते हैं इस टॉपिक से आपके पास लगभग 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, क्लियर है, या तो 40 से 50 बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए जेट में, तो जेट में लगभग समझ लीजिए से 15 क्वेश्चन आपके पास एवव रहेगा, क्लियर है, 15 प्लस का क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ वन क्वेश्चन वन मार्क्स का, क्लियर है, तो वेटेज भी आपको उसी टाइप से रहेगा। तो अगर 15 क्वेश्चन पूछे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में है या सिलेबस में दिया क्या है और किस टाइप से हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। तो पहले अगर सिलेबस की बात किया यहाँ पे, तो क्या आपके पास है, तो सिलेबस में देखिएगा तो लिनियर अलजेब्रा है, राइट, क्या दिया हुआ पास, लिनियर अलजेब्रा है। अब लिनियर अलजेब्रा के अंदर देखा जाए तो मेनली यहाँ पे तीन हेडलाइन की बात करें हम लोग और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये आपका लिनियर अलजेब्रा हो गया, और सेकेंड हम लोग आएंगे मैट्रिसेस में, क्लियर है, सेकेंड जो बात करें हम लोग मैट्रिसेस है, और थर्ड आपके पास जाएंगे आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन, एक हम लोग हेडलाइन बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेगमेंट, क्लियर है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपके पास बनेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मेनली इस चैप्टर को हम लोग चार पार्ट में देखेंगे, क्लियर है, लिनियर अलजेब्रा को हम लोग चार सेक्शन में इसको हम लोग डिस्कस करें, क्लियर है। जैसे आपका पहला हो जाएगा तो हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, मैट्रिसेस बिल्कुल पहले पढ़े हुए होंगे तो मैट्रिसेस से हम लोग चालू करेंगे। अगर मैट्रिसेस की बात किया जाए तो पहला टॉपिक जो चालू होगा वो आपका मैट्रिसेस से होगा। अब मैट्रिक्स से कहाँ तक होगा आपके पास, तो पहले मैट्रिक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, क्लियर, स्टार्टिंग जो बेसिक पार्ट होता है, इसके बाद हम लोग अब बेसिक पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कवर कर चलवाएंगे, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को लेते हुए मूव करेंगे। उसके बाद देखिएगा किसी में पढ़ना रैंक है और डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट क्या, स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनांट, वहाँ पे उतना इजी वाला डिटर्मिनांट नहीं पूछेगा आपके पास कि 4x4 मैट्रिक्स दे दिया आपके पास या 3x3 दे दिया आपको डिटर्मिनांट निकालने बोल रहा है, नहीं, जहाँ डिटर्मिनांट का स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस होता है उसका डिटर्मिनांट कैसे निकालिएगा, जैसे आपको 4x4 दे देगा, 5x5 देगा, क्लियर है, तो वो सबको मैट्रिसेस को डिटर्मिनांट निकाला सीखेंगे सम स्पेशल टाइप से। तो हम लोग आगे बात करें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, या तो बोल सकते हैं कि आइगन वैल्यूज है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं, या तो आइगन वेक्टर बोलिए, और केले हैमिल्टन थ्योरम, क्लियर, ये आपके पास मैट्रिसेस का पोर्शन हो गया, क्लियर। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड स्टार्ट करेंगे वो आपके पास रहेगा वेक्टर, ये जो वेक्टर देख रहे हैं वेक्टर स्पेस, ये आपके पास सेकेंड टॉपिक चलेगा, पहले इसको हम लोग कवर करेंगे, इसका एमसीक्यू देखेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का। तो वेक्टर सब स्पेस है, लिनियर इंडिपेंडेंस है, डिपेंडेंट है, बेसिस है और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो थर्ड जो चलेगा वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट चालू होगा, क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन वाले पूरा कवर करने के बाद तो फोर्थ में हम कहाँ पे आएंगे, तो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्लियर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम लोग मूव करेंगे। तो इस टाइप से देखा जाए यहाँ पे तो आपके पास चार सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं लिनियर अलजेब्रा को, क्लियर है, और लगभग आपके पास 20 से 25 दिन क्लासेस चलेगा, लिनियर अलजेब्रा आपके पास कंप्लीट होगा, क्लियर है। यहाँ से जो कंटेंट आपके पास रहेगा वो आपके पास फुल्ली बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिलेबस या सीएसआर का, तो जो भी हायर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्लियर है, डिटेल्स तो देखेंगे ही, जैसे सीएसआर हो गया या तो आईआईटी जेम हो गया, क्लियर है, आईआईटी जेम हो गया, या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट राज्य में जो सेट एग्जाम होता है आपके पास, जैसे आपका छत्तीसगढ़ सेट हो गया, एमपी सेट हो गया, वेस्ट बंगाल सेट है, क्लियर, इस टाइप से साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, तो उस सबका भी हम लोग रेफरेंस लेते हुए चलेंगे कि कहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पास, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग सारा का रेफरेंस लेते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो पहले टॉपिक होना चाहिए आपके पास, बेस होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, तो बेस आपका बनना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो आपके पास रहेगा मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्लियर है, मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज।
तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस वाले पोर्शन से, इसके बाद हम लोग बैक टू बैक कंटिन्यू आगे मूव करेंगे। क्लियर है? अब टर्म आती है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स क्या आपके पास? क्लियर है मैट्रिक्स क्या है? तो अगर मैट्रिक्स की बात करें हम लोग, क्लियर है मैट्रिक्स क्या आपके पास, तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर रो और कॉलम भी आपके पास होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा लिख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा पास, तो बोल सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम मैट्रिक्स को आते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं? आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, लिख सकते हैं यहाँ पे आ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ Mn, Mn एलिमेंट लेते हैं। Mn एलिमेंट, Mn क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट इन क्या हो जाएगा? M रो, M रोज एंड N कॉलम। N क्या होगा? N कॉलम मिलेगा। क्या होगा? इसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस बोलेंगे। तो Mn क्या होगा? Mn एलिमेंट होगा आपके पास। ये क्या आपके पास? एलिमेंट होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होता है? जितना रो और कॉलम को प्रोडक्ट कर दीजिए। एक यहाँ पे मैट्रिसेस को अगर दिखाएं हम लोग, अगर एक मैट्रिसेस को दिखाएं यहाँ पे, तो यहां से क्या हो जाएगा पास? तो जो टर्म निकल के आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा पास? तो यहाँ पे जो एम एन, तो एम एन क्या हो गया? एम आपके पास रो रहेगा, एन आपके पास कॉलम रहेगा। तो यहां से बात करें, यहाँ एलिमेंट क्या होगा? ए वन वन हो जाएगा, ए वन टू हो जाएगा। इसी टाइप से डॉट डॉट क्या हो जाएगा? ए आपके पास वन एन की ओर मूव करेगा। फिर इसी टाइप से कंटिन्यू करें हम लोग, ए टू वन हो जाएगा, ए टू टू हो जाएगा, और कंटिन्यू क्या चलेगा? ए टू एन चलेगा। इसी टाइप से अगर नीचे चले और रो में हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एम एन हो जाएगा, एम वन हो जाएगा, और आगे चलेंगे यहाँ क्या हो जाएगा? एम टू हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। मतलब कोई भी मैट्रिसेस है तो एम रो और एन कॉलम होगा। इसको मान लेते हैं कि हम लोग ए से, क्लियर है? ए मैट्रिक्स होगा जिसमें एम कॉलम एन रो होगा आपके पास। क्लियर है? M कॉलम होगा, N आपके पास रो होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर इसी को अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाए तो दैट इज करके लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या आपके पास है? ए आई जे है, ए आई जे है, और वो क्या आपके पास रहेगा? ए आई जे है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे M क्रॉस N लेते हैं, M क्रॉस N लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या होगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है? तो जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा पास? एम एन एलिमेंट होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो एलिमेंट कहाँ से आएगा? तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा ए आई जे, मान सकते क्या आएगा? कोई फील्ड से आएगा। अगर फील्ड लेते हैं या तो फिर डायरेक्टली लिख दीजिए कि रियल नंबर से आएगा या फिर आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स से आएगा। अगर रियल से आएगा तो उसको रियल टाइप में मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स से आएगा तो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे आगे जाकर पढ़ते हैं हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स और आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक में क्या होता है? सारा एंट्री आपका रियल होता है। आपका हर्मिशियन में क्या होता है? सारा एंट्री आपके पास या तो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें इमेजिनरी नंबर आ जाता है आपके पास। क्लियर है? चलिए नीतीश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। देखिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि आपके पास मैट्रिसेस होंगे। अगर सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन ले हम लोग कि मैट्रिसेस में किस हिसाब से क्वेश्चन बन जाए, तो समझिए कि मैट्रिक्स डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी मैट्रिसेस, हाउ मेनी मैट्रिसेस, हाउ मेनी मैट्रिसेस, मतलब कितना मैट्रिसेस बनेगा ऑफ ऑफ, एक ऑर्डर ले लेते हम लोग, चलिए डिफरेंट ऑर्डर लेते हैं, ऑफ ऑर्डर ले लेते हम लोग थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री ओवर ओवर यहाँ पे लेते हैं आपके पास जेड फाइव। अब क्वेश्चन क्या आपके पास कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ओवर ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री ओवर क्या है? जेड फाइव पे, मतलब एलिमेंट कहाँ से आएगा? आपका जेड फाइव से एलिमेंट आएगा। तो जेड फाइव से एलिमेंट आएगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन डाल दें हम लोग तो ऑप्शन क्या आपके पास बन जाएगा? जेड फाइव से आएगा आपके पास। क्लियर है? तो पहला लेते हैं हम लोग कि फाइव के पावर थ्री, दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम लोग कि थ्री का पावर आपके पास नाइन हो जाएगा, एंड सी ले लीजिए आपके पास कि फाइव का पावर नाइन हो जाएगा, और डी लेते हैं कि नन ऑफ दिस हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा।
क्लियर है, नन ऑफ दिस इज दैट। तो मैट्रिसेस, सिंपल मैट्रिसेस जानते हैं हम लोग। अगर मैट्रिसेस ऐसे क्वेश्चन बन जाए आपका कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 ओवर जेड फाइव, क्या आपके पास है तो ओवर जेड फाइव है। क्लियर, ओवर जेड फाइव मतलब एलिमेंट कहां से आएगा तो जेड फाइव से आएगा। और मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना आपको दिख रहा है, टोटल आपके पास 3x3, ऑर्डर आपके पास 3x3 है। और हाउ मेनी मैट्रिसेस आपके पास, क्वेश्चन से कितना मैट्रिसेस आपके पास बनेगा। क्लियर है, कितना मैट्रिक्स आपके पास बनेगा। तो एलिमेंट कहां से आ रहा है, यहां से अगर देखा जाए तो एलिमेंट कहां से आपके पास आ रहा है तो जेड फाइव से आ रहा है। अब जेड फाइव में एलिमेंट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जेड फाइव में क्या होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो आपका जेड फाइव का रिमाइंडर जो पॉसिबिलिटी रहता है वही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा आपके पास जीरो हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बोल रहा है कि 3x3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज 3x3। तो यहाँ पे एक टर्म लेना पड़ेगा पास, एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। क्लियर है, एक मैट्रिक्स लेते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, 3x3 रहेगा, 3x3 रहेगा। अच्छा मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, क्लियर है, एक हम लोग मैट्रिक्स ले 3x3। तो मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा, अगर यहाँ पे एलिमेंट की बात किया जाए, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा तो 3 रो में होगा, 3 कॉलम में एलिमेंट होगा, 3 रो में 3 कॉलम में होगा। क्लियर, 3 रो 3 कॉलम में होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 9 एलिमेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या मेरा है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस, कितना मैट्रिक्स यहां बना सकते हैं, क्या आपके पास 3x3 का ऑर्डर हो लेकिन एलिमेंट कहां से हो, तो जेड फाइव से। तो यहां पे देखिएगा एक एलिमेंट को फिल करने के लिए कितना टेक्निक आपके पास आ रहा है। मान के चलिए यहां पे एलिमेंट आपको फिल करते हैं तो कितना फिल कर सकते हैं, एक जीरो भी डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तक, मतलब यहां पे कितना 5 एलिमेंट डाल सकते हैं। 5 एलिमेंट आपके पास डालने के लिए क्या ऑप्शन है, मतलब एक में पुट करने के लिए 5 ऑप्शन है, तो दूसरा एलिमेंट के लिए भी कितना होगा, 5 होगा, तीसरा एलिमेंट के लिए भी 5 होगा। इसी टाइप से कितना एलिमेंट है आपके पास, तो कितना एलिमेंट है आपके पास, तो 9 एलिमेंट है, तो 9 टाइप्स चलेगा। क्लियर है, तो कितना एलिमेंट आपके पास है यहाँ पे, तो कितना आपके पास है, 9 टाइप्स हो जाएगा, क्योंकि 9 एलिमेंट है, 9 टाइप्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इसी टाइप से बनेगा कि एक में डालने के लिए 5 ऑप्शन है, तो 2 में भी के लिए 5 ऑप्शन है। तो इस टाइप से कितना लोग मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो कितना बन जाएगा पास, तो 5 कितना बार आया, 9 बार आया, तो 5 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं, अगर 3x3 बनाए और मैं आपका एलिमेंट ले लो जेड फाइव से लें, तो टोटल नंबर 5 टू पावर 9, तो 5 टू पावर 9 कितना हो जाएगा पास, मैट्रिसेस पॉसिबल है। तो समझिए कि 5 के पावर 9 अगर जेड फाइव से ले रहे हैं हम लोग 3x3 में, तो 5 के पावर 9 आपका मैट्रिसेस बन सकता है। मतलब इतना डिफरेंट टाइप से मैट्रिसेस हम लोग इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर, इतना टाइप से मैट्रिसेस को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर, अगर इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। क्लियर है, एसी को चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिएगा एसी को ऑर्डर कुछ चेंज कर देते हैं और एलिमेंट चेंज कर देते हैं हम लोग, और इसको यहाँ पे चेंज कर दें। क्लियर है, यहाँ पे अगर चेंज कर देते हैं तो अगर यहाँ पे जैसे जेड फाइव है, अब यहाँ पे ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर देते हैं और ऑर्डर डाल दें यहाँ पे 5x5 डाल दें, क्या आपके पास है 5x5 है। अब बताइए कितना बनेगा पास, अब बताइएगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा पास। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा पास। क्लियर है, तो बताइए इसमें कितना बन जाएगा पास। क्लियर है, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं 5 टू पावर। बताइएगा अब यहां बताइएगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस को कितना बनेगा। क्लियर है, इसको आप कमेंट कीजिएगा कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, कितना है जब आपको 5x5 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या हो गया 5x5 हो गया, और यहां भी जो एलिमेंट आ रहा है आपको क्या हो रहा है जेड फाइव से आ रहा है, तो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया 5x5 हो गया। अब कितना एलिमेंट होगा, तो आपके पास एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो 25 एलिमेंट होगा। क्लियर, 25 एलिमेंट होगा, और एक एलिमेंट में डालने के लिए आपके पास चॉइस हो रहा है, आपके पास 5 है। क्लियर, 5 हो रहा है, तो स्टेप से कितना होगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो एलिमेंट आपके पास देखिएगा तो 25 एलिमेंट है। राइट, 25 एलिमेंट है, और एक एलिमेंट डालने के लिए 5 है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, तो 5 की पावर 25 हो जाएगा।
क्लियर है। तो इस टाइप से भी छोटा सा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट राज्य का क्वेश्चन जब करवाएंगे थोड़ा एक दो टॉपिक कवर कर लेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट राज्य में आपका सेट एग्जाम हो रहा है या तो फिर नेट का क्वेश्चन से, तो हम लोग साथ में लगे चलेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछा गया। क्लियर है। तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपके पास रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं हम लोग। अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करें हम लोग, तो क्या मैट्रिसेस में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, आपके पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, और आगे चलिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, स्पेशल टाइप मिलेगी, तो सेमेट्रिक है, स्क्यू सेमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, तो सारा हम लोग बाय पार्ट्स बाय पार्ट देखेंगे। जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो भी आपके पास मैट्रिक्स रहेगा, सिर्फ हम शॉर्ट में देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स आपके पास ए है तो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट ए आई जे ले लेते हैं हम लोग। क्लियर है। आई आपका रो, जे कॉलम हो गया। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर जो भी रहेगा यहाँ पे एम क्रॉस एन लेते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, एम एन आपके पास इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या बन गया, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होगी। अगर इसी को हम लोग इक्वल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और ए इक्वल टू हम लोग ले लें कि ए आई जे है। क्लियर है। यहाँ पे ऑर्डर क्या ले लें हम लोग, तो ऑर्डर एन क्रॉस एन ले लेते हैं, वो एन क्रॉस एन इस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं कि 3x3 का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 डाल देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या हो गया पास, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेना है तो इसे ले लीजिए, क्या लेते हैं, 2x3 का ऑर्डर ले लेते हैं हम। यहाँ पे अगर ए बी सी है, यहाँ ले लीजिए कि एफ जी एस है, तो क्या हो गया, पहला आपके पास रेक्टेंगुलर हो गया, दूसरा क्या हो गया पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग व्हाट टाइप्स में इसका। देखिए रो मैट्रिक्स बोल रहा है, तो रो मैट्रिक्स में क्या, दैट मीन्स रो रहेगा, एक रो रहेगा, उसके बाद आपके पास कॉलम रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है आपके पास रो मैट्रिक्स है, इस टाइप में क्या होता है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो होता है, ओनली वन आपके पास रो होगा, ओनली वन रो होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी मैट्रिक्स होगा यहाँ पे ए, इसके अंदर एलिमेंट होगा ए आई जे, तो एलिमेंट क्या रहेगा पास, तो रो एक रहेगा, कॉलम अनेक रहेगा, तो वन क्रॉस एम बोल सकते हैं। रो क्या एक रहेगा, कॉलम अनेक रहेगा पास। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं, तो यहां से देखिएगा, तो यहां से क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा पास। जैसे यहाँ पे 1, 2 कॉमा नहीं लगाना है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ले लिए, तो क्या हो गया, ऑर्डर 1/4 होगी, 1/ क्या होगा, 4 होगी। सेम इसी टाइप से अगर आगे बात करें हम लोग, तो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है आपके पास, क्या आपके पास आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे दिखाना है आपको ए है, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलिमेंट होगा आई जे, अरे क्या रहेगा पास, तो कॉलम अनेक रहेगा, रो एक रहे, आपके पास क्या क्या हो जाएगा, तो आपके पास कॉलम एक रहेगा। यहाँ से ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम 1 ले सकते हैं। क्लियर है। मतलब कॉलम आपके पास एक रहेगा, रो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिखे हम लोग, इस टाइप से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पे ए 1/1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3/1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 1x3 का एग्जाम्पल हो गया, 1x3 का आपके पास एग्जाम्पल हो गया। फिर आपके पास नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जीरो से, ऐसे टाइप से, मतलब सारा एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सारा एलिमेंट जीरो रहेगा। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट हो में हो या फिर स्क्वायर फॉर्मेट हो, दोनों में रह सकते हैं। ये क्या होगा आपका, दोनों में रहेगा, मतलब एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो जीरो है, या तो देखिए स्क्वायर हो गया, 3x3 हो गया, एक हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्मेट लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपके पास यहाँ पे जीरो है, जीरो जीरो जीरो, ये क्या हो गया, 2x3 हो गया। तो रेक्टेंगुलर आपका पास नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स क्या होगा, दोनों हो सकता है, स्क्वायर भी होगा या तो फिर आपका रेक्टेंगुलर भी होगा, तो दोनों में लाइक करेगा पास। ठीक है, दोनों आपके पास लाइक करेगा, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगुलर भी। और आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आगे मूव करें, देखिएगा डायगोनल, डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ भी शॉर्ट में देख रहे हैं डायगोनल को, बाद में आगे हम लोग फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे डिटेल्स प्रॉपर्टी में, क्योंकि अभी टाइप्स देख रहे हैं आप शॉर्ट में देख लेते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स आया,
तो जो जहां पे जितना भी दिख रहा है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ये सारा किसका टाइप है? तो सारा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये सारा किसका है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, सारा स्क्वायर मैट्रिक्स का है। अब देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में तो पहला क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स आएगा पास, अगर एक यहां पे मैट्रिक्स लेते हम, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या एलिमेंट होगा? ये आई जे। अब ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल इफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे, यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे हम लोग कि ए आई जे इक्वल टू जीरो। किस कंडीशन में इक्वल टू जीरो होगा? तो कंडीशन रहेगा कि आई नॉट इक्वल टू जे। तो वह नंबर क्या बोल सकते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे। और सेकेंड क्या है, यहाँ पे एंड लगा लेंगे हम लोग कि ए आई जे इक्वल टू क्या रहेगा, तो कोई भी कॉन्स्टेंट आप सी ले सकते हैं, कोई भी नंबर रहेगा पास डायगोनल एलिमेंट। क्लियर, यहाँ पे कोई भी नंबर है किस केस में, आई इक्वल टू जे में। आई इक्वल टू जे में क्या होगा, कोई नंबर रह सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स ले रहे हैं, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स लिए हैं, टर्म क्या यहाँ पे आएगा, तो ओनली डायगोनल एलिमेंट रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, बाकी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। बाकी एलिमेंट आपके पास जीरो होगा, बाकी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन भी वही है कि ए आई जे जीरो होगा, तो कब जीरो होगा, आई नॉट इक्वल टू जे में। और कॉन्स्टेंट कब होगा, या तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो क्या होगा यहाँ पे, आई जे में होगा। क्लियर है, तो आपके पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया पास, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग देखा तो डायगोनल का स्पेशल में आता है। ठीक है, उसका बहुत प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर डायगोनल मैट्रिक्स का। चलिए यहाँ पे और बात कर लेते हैं हम लोग, तो साइड में क्या के पास है, सेकंड है स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। किस केस में, व्हेन डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा पास ए आई जे, वो क्या हो जाएगा पास, यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि जो ए आई जे होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। किस केस में, आई नॉट इक्वल टू जे में। और ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, तो कांस्टेंट एलिमेंट होगा, या तो बोल सकते हैं यहां पे सेम एलिमेंट होगा। किस केस में, तो आई इक्वल टू जे में, आई इक्वल टू जे में रह सकता है। तो मान लेते हैं यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा पास, स्टॉप चला लीजिए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे लेते हैं अगर टू है तो जीरो जीरो हो गया, फिर यहां पे जीरो होगा तो यहां भी टू हो गया, जीरो 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 और क्या हो गया, तो टू लीजिए, थ्री लीजिए, फाइव लीजिए, हंड्रेड लीजिए, वन लाख लीजिए, क्या होगा, सारा आपके पास डायगोनल ही रहे। तो ये क्या होगा, डायगोनल में आपका सेम एलिमेंट होगा, इसको बोल देंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बनता है, या तो बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स ही बनेगा यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा, ए आई जे हो जाएगा, और यहाँ से एलिमेंट जो आपके पास ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। कब, आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब रो कॉलम अलग अलग रहेगा उस केस में। एंड एंड लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए आपके पास है, ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज वन होगा। किस केस में, जब आई इक्वल टू जे होगा। क्लियर है, जब आई इक्वल टू जे होगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो यहां से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा पास, अगर तो यहां पे लेते हैं हम लोग वन जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा। ये क्या होगा, टू बाय टू मैट्रिक्स का होगा, इसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। क्लियर, आई से इसको इंडिकेट करेंगे। हम लोग देखेंगे डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को देखेंगे हम लोग। क्लियर है, अगर डायगोनल की बात करें हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स को, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। क्लियर है, देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स को एक हेडलाइन बनाते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स आया हुआ है, उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे। देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या पास रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी आपको जो भी डिटेल्स टाइप में टाइपिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन आपको टाइपिंग में भी आपके पास पीडीएफ आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में, तो डायगोनल मैट्रिक्स में है क्या आपके पास,
जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर सेम रहेगा, क्या ऑर्डर आपके पास सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, क्लियर है, एक अगर मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे, तो अगर मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग ए, क्लियर है, एक मैट्रिक्स लिए यहाँ पे लेते हैं कि 3x3 का ऑर्डर लेते हैं, क्या 3x3 लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट मान लेते हैं कि ए 1 1 है, यहाँ पे आपके पास 0 रहेगा, 0, क्योंकि डायगोनल का हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डायगोनल में होता क्या आपके पास, जो भी एलिमेंट है आई जे इक्वल टू 0 कब होगा, जब वेन आई नॉट इक्वल टू जे होगा, राइट, आई नॉट इक्वल टू जे उस इसमें 0 होगा, और आई जे जब इक्वल होगा उस इसमें क्या होगा, एलिमेंट आएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा पास एलिमेंट होगा। अब यही एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, यही एलिमेंट आपके पास क्या हो जाए 1 हो जाए तो यूनिट मैट्रिक्स, सेकेंड आपके पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 2 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ क्या हो जाएगा A 3 3 हो जाएगा, A 3 3 हो जाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए, यहाँ पर एग्जांपल हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का हो गया, क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स का हो गया। इसको दूसरे टाइप से लिखे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं और करके, तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो एक पटो लिख सकते हैं हम लोग कि डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल को एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो एलिमेंट क्या यहाँ पे हो गया A 1 1 हो गया, फिर क्या हो गया A 2 2 हो गया, और A 3 3 हो गया। तो इस टाइप से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल का एलिमेंट क्या है आपके पास, तो एलिमेंट क्या होता है आपके पास डायगोनल का ही एलिमेंट होता है, बाकी तो 0 होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग A डायगोनल A 1 1 A 2 2 A 3 3 हो गया, क्लियर हो गया, क्या हो गया पास A 1 1 2 2 3 3 हो गया। क्लियर है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में इसका प्रॉपर्टी में आते हैं, इसका एग्जांपल में देखना है इस टाइप से एग्जांपल ले सकते हैं, फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे जो बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ क्या लेते हैं हम ए बी सी लेते हैं, ये आपके पास 0 हो गया, 0 0 0 0 हो गया, या तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि नल मैट्रिक्स, नल क्या होता है हमेशा सारा सेटिस्फाई करेगा, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, सारा 0 हो गया, इसको भी क्या बोल सकते हैं, ए भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या पास है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है कि सारा को फॉलो करता है, क्लियर, क्योंकि 0 है, अब 0 है तो उसमें सेटिस्फाई किया वही हो जाएगा, सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, क्लियर है, तो 0 मैट्रिक्स क्या होगा ऑलवेज आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसका प्रॉपर्टी में आइए, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग रखिए क्वेश्चन डायरेक्टली क्या रहे, क्या प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी निकालना है तो डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक पास मैट्रिक्स लेते हैं ए, ए मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसका डायगोनल एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा एलिमेंट आपके पास, तो मान लेते हैं हम लोग कि डायरेक्टली जनरल लेते हैं, A 1 1 हो जाएगा, A 2 2 हो जाएगा, A 3 3 हो जाएगा। एक हम लोग बी लेते हैं, ऐसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा B 1 1 हो जाएगा, B 2 2 हो जाएगा, और B 3 3 हो जाएगा, क्लियर, B 3 3 हो जाएगा। और एक हम लोग क्या लेते हैं, क्लियर है, B 3 3 हो जाएगा, या इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, क्लियर है, इसको हम लोग अगर n टाइम तक चले तो यहाँ पे n तक लगा लेते हैं, इस टाइप चले हम लोग यहाँ भी n तक ले जाते हैं, क्या होगा डॉट डॉट आपके पास BNN हो गया, क्लियर हो गया, ये आपके पास डायगोनल हो गया। एक लेते हैं एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट टर्म के लेते हैं, एनी कांस्टेंट टर्म के लेते हैं, अब देखिएगा डायगोनल एलिमेंट का प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो प्रॉपर्टी में क्या बोलेगा कि दो डायगोनल को अगर ऐड करेंगे, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सिर्फ क्या होगा डायगोनल एलिमेंट ऐड होगा, बाकी एलिमेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम लोग ऐड करें दोनों क्या होगा डायगोनल एलिमेंट ही ऐड होगा आपस में। अगर यहाँ पे हम लोग पहला ऐड करें, अगर ए प्लस बी लिखे हम लोग तो क्या निकलेगा आपस, तो ए प्लस बी लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा डायगोनल एलिमेंट आएगा, और डायगोनल एलिमेंट क्या होगा दोनों आपस में ऐड होगा, तो ए 1 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा B 1 1 हो जाएगा, फिर आगे क्या निकलेगा A 2 2 हो जाएगा प्लस B 2 2 हो जाएगा,
फिर आगे देखिएगा तो सी ए आपके पास 3-3 हो जाएगा प्लस बी 3-3 हो जाएगा। अब डॉट डॉट क्या चले वो पास, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा तो ए एन एन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एन एन हो जाएगा। तो इस टाइप से एलिमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा और उसका एलिमेंट को ऐड कीजिए तो क्या होगा, तो एलिमेंट ही सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में है तो डायगोनल में क्या हो जाएगा आपकी ऐड हो जाएगा। इसी टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल ही मल्टीप्लाई होगा। अगर मल्टीप्लाई की बात करें यहाँ पे अगर सेकेंड में लिखे हम लोग सेकेंड में कि ए इंटू बी करते हैं हम लोग ए इंटू बी करते हैं तो इस केस में भी क्या होगा तो डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा, जैसे ए 1-1 है यहाँ क्या हो जाएगा बी 1-1 हो जाएगा। फिर क्या निकलेगा ए 2-2 है यहाँ हो जाएगा बी 2-2। फिर क्या आपके पास होगा ए 3-3 है यहाँ पे हो जाएगा बी 3-3। अब इस हिसाब से क्या होगा कंटिन्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए एन एन है यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एन एन हो जाएगा। क्लियर है, स्टॉप चल रहा है। अगर कोई स्केलर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 3 में लेते हैं कोई एक टर्म है और हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए बी में ही, मान लेते हैं कि ए बी में ही एक कॉन्स्टेंट टर्म है 1, 2, 4, 5 कुछ भी यहाँ पे के लेते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके क्या होगा सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा के हो जाएगा यहाँ पे 1-1 बी 1-1 हो जाएगा। फिर के हो जाएगा पास ए 2-2 बी 2-2 हो जाएगा। फिर आगे जाकर क्या हो जाएगा के हो जाएगा ए 3-3 और यहाँ पे बी 3-3 हो जाएगा। इसी टाइप से क्या होगा टर्म कंटिन्यू चलेगा, क्या चलेगा टर्म आपके पास कंटिन्यू चलेगा। क्लियर, ये आपके पास डायगोनल हो गया। अब डायगोनल में सबसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो 3 हो गया। हम लोग क्या दिखे प्लस में देखे मल्टीपल में देखे आप एनी स्केलर से मल्टीपल कर रहे हैं, इस केस में भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा सेटिस्फाई कर रहा है, क्या आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर पावर की बात करें हम लोग कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम लोग इंटू कर देते हैं, क्लियर है, तो फोर्थ में प्रॉपर्टी में देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए टू पावर हम लोग एम लगा देते हैं तो ए टू पावर भी एम लगाएंगे ना तो भी क्या होगा डायगोनल का एलिमेंट क्या हो जाएगा उतना पावर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा डायगोनल का एलिमेंट भी उतना ही पावर में आ जाएगा। जैसे ए 1-1 है तो पावर यहाँ पे एम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था आपके पास एलिमेंट बी था आपके पास तो बी 1-1 है यहाँ पे पावर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए 2-2 हो जाएगा तो यहाँ पे पावर एम हो जाएगा। फिर क्या होगा ए 3-3 बनेगा यहाँ पे पावर एम हो जाएगा। इसी टाइप से डॉट डॉट आपके पास ए एन एन बनेगा यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा पास 3 हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी से आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है, जनरली जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा यही प्रॉपर्टी से आपके पास क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है पास। क्लियर है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राइट एग्जांपल लेते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, राइट क्या लेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को लेते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे लेते हैं कि 1 है 0 0 यहाँ पे लेते हैं 0 यहाँ पे 5 आपके पास है 0 है 0 0 यहाँ पे 7 है, ये आपके पास क्या है ए है। अगर हमको निकालना है ए स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी क्या करना पड़ेगा आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म देखिएगा तो टर्म क्या निकल के आएगा तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आपके पास 1 है 0 0 है और यहाँ पे क्या 0 है 5 0 है। फिर क्या आपके पास है 0 0 7 आया और यहाँ से देखिएगा तो 1 0 0 आ रहा है आपके पास 0 5 0 आ रहा है यहाँ पे क्या होगा 0 0 7 हो गया, राइट 0 0 7 हो गया। अगर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज कीजिए, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टर्म जो फाइनली निकल के आएगा देखिए रो बाय कॉलम कीजिएगा कि पहला रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 1 × 1 होगा 0 0 कीजिए सारा 0 होगा यहाँ पे टर्म निकल के 1 आएगा। फिर एक सेकंड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 मतलब ये भी 0 आएगा ये भी 0 आएगा। सेकंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई यहाँ क्या 25 हो जाएगा फिर सेकंड क्या हो 0 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ भी 0 होगा यहाँ भी 0 हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा पास 49 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ जब ए स्क्वायर किए तो फाइनली डायगोनल एलिमेंट को हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे क्यूब करें तो डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, क्लियर डायगोनल एलिमेंट को क्यूब कर देंगे। जैसे यहाँ पे लेते हैं कि अगर ए इक्वल टू मैट्रिक्स है कि यहाँ पे आपके पास 2 है 0 है 0 यहाँ पे 5 है तो आपके पास निकालने बोल दिया कि ए टू पावर 10 बताइए तो क्या होगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को इंटू कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा पास 2 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है डायगोनल का ये आपको इंपॉर्टेंट बन रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन लें हम लोग कि डायगोनल मैट्रिक्स का जैसे आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मेनी मैट्रिसेस
क्लियर है। क्वेश्चन लेते हम लोग डायगोनल के बेस्ट में है, कर लेते हैं हम लोग कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस हो जाएगा। डायगोनल पढ़े तो डायगोनल एलिजिबल कहा गया, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन रहेगा। ऑर्डर क्या रहेगा, एन क्रॉस एन रहेगा, एंड अब क्या करेगा, एंड देयर सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करेगा, एक यहां पे लेते टर्म उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई वाला टर्म लेते हैं यहां पे, तो मान लेते हैं क्या के पास है कि ए टू पावर 5 है इक्वल टू क्या आपके पास 16 ए। अब बताइए यहां पे क्या आपके पास आंसर बनेगा, एक आपका हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस है, ऑर्डर आपके पास n क्रॉस n है, n सेटिस्फाई क्या कर रहा है आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू 16 ए सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन आपके पास है 2 to power n क्रॉस n है, सेकंड लेते हैं लोग 2 to power n है, और सी आपके पास है या 3 या 4 कर लेते हैं हम लोग, 4 to power n है, और आपका डी लेते हैं हम लोग तो डी लेते हैं 5 to power n है। क्लियर है। अब नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस कितना बनेगा आपके पास, और टर्म क्या सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या 16 ए है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए टू पावर 5 इक्वल टू 16 ए है। आपको बताना कि हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस है, क्लियर है। और ऑर्डर क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर सेम रहेगा, रो कॉलम आपके पास इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास एन क्रॉस एन ऑर्डर है। नहीं बताना क्या आपके पास है कि डायगोनल मैट्रिसेस है। हम चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन को राइज कर सकते थे कि ओनली मैट्रिसेस कितना होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर डायगोनल वर्ड को यहाँ पे छुपा दें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मैट्रिसेस पूछ सकता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप से देखेंगे कि सिर्फ मैट्रिसेस कितना बनेगा और डायगोनल मैट्रिसेस कितना बनेगा। क्लियर है। अब यहां से देखा जाए इसको आंसर में, तो यहां से क्या देख सकते हैं हम लोग, इसको फ्रेश रहने के लिए हम लोग कॉपी कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहां पे इस टर्म की बात करें हम लोग, अब बोल रहा है कि 8 to power 5 = 16, तो कहीं ना कहीं डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको क्या बना हुआ एक मैट्रिक्स बनेगा, एक पास क्या होगा मैट्रिक्स होगा, एक पास मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स मान लेते हैं कि आपका ऑर्डर क्या एन क्रॉस एन है, अब मैट्रिक्स एन क्रॉस एन है तो हम लोग जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या आपके पास, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहेगा, ए 1 1 रहेगा, ए 2 2 रहेगा आपके पास, ए 3 3 रहेगा, यहाँ पे ए एन एन रहेगा, बाकी क्या होगा सारा आपके पास 0 रहेगा, मतलब इधर भी टर्म 0 रहेगा और इधर भी टर्म आपके पास 0 रहेगा, ये भी सारा क्या रहेगा 0 रहेगा, राइट। दोनों क्या होगा आपके पास 0 0 होगा, और जो दोनों 0 0 है तुमको एलिमेंट क्या चाहिए, तो एलिमेंट सिर्फ क्या होगा डायगोनल एलिमेंट रहेगा, मतलब ये जो एलिमेंट आपके पास आ रहा है इस सारा जो एलिमेंट आएगा तो कितना एलिमेंट आएगा, तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना एलिमेंट आएगा, मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या होगा एन एलिमेंट है। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है तो कितना एलिमेंट रहेगा उसके अंदर, तो नॉन जीरो एलिमेंट कितना रहेगा, अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 3 रहेगा, 5 by 5 है तो नॉन जीरो एलिमेंट कितना 5 रहेगा, उसी टाइप से n by n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा n होगा। अब आते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट होगा क्या यहाँ पे, मेनली जब मैट्रिसेस आपको पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो यहां से क्या आपके पास 8 to power 5 है इक्वल टू 16 है। अब इसका अगर मैट्रिसेस है और इसका एलिमेंट की बात किया जाए तो यहां भी क्या होगा ए आई जे होगा, इसका भी पावर कितना होगा 5 होगा, और यहां भी क्या होगा 16 ए आई जे होगा एलिमेंट के टर्म में देखा जाए। अब इसको एक साइड से सॉल्व कर लीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कॉमन कितना हो जाएगा पास, तो ए आई जे अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या बन जाएगा पास ए आई जे का पावर 4 हो जाएगा, -16 = 0 हो जाएगा। क्लियर, -16 = 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो यहां से क्या बनेगा, तो यहां से हम देखिएगा तो आपका ए लेते सिंपल, ठीक है यहां हो जाएगा ए स्क्वायर -4 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा ए स्क्वायर +4 बनेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहां से और हम लोग आगे चलें तो क्या निकल के आएगा पास, तो ए लिख सकते हैं, ए -2 लिखेंगे, ए +2 लिखेंगे हम लोग, और क्या पास आएगा ए स्क्वायर प्लस
चार इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो गया। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग पास क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, इसको हम लोग ए है, ए को ही क्या मान रहे थे, ए को ही मान रहे ए आई जी, क्लियर है। बार बार लिखने के लिए सिंपल कर दिए। अब ए आई जी के पास क्या टर्म आया निकल के, जैसे इसको सॉल्व करेंगे ए क्या होगा डायरेक्टली जीरो से होगा, जीरो आ जाएगा। यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से माइनस दो निकल के आएगा, यहां से आपके पास दो निकल के आएगा। और जब इसको सॉल्व करें हम लोग तो क्या हो जाएगा पास माइनस फोर स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस टू आयोटा आएगा। तो कहीं ना कहीं टू आयोट माइनस टू आयोटा आएगा तो आपके पास प्लस टू आयोटा आएगा, प्लस टू आयोटा आएगा। तो कहीं ना कहीं कितना आपके पास एलिमेंट आ रहा है, तो एलिमेंट कितना आ रहा है आपके पास, फाइव एलिमेंट का, फाइव के पास एलिमेंट आ रहा है। मतलब एक में फिल करने के लिए यहां भी कितना बन रहा है पास, तो नंबर ऑफ चॉइस कितना बना, इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ चॉइस कितना बन रहा है पास, तो आपके पास फाइव बन रहा है। कि एक में हम लोग पांच एलिमेंट डाल सकते हैं, क्लियर है। एक में आप पांच एलिमेंट डाल सकते हैं, तब आते हैं क्वेश्चन में कि आपके पास एक में डालने के लिए कितना आपके पास पांच एलिमेंट आ रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो यहां डालने के लिए पांच आ रहा है, इसमें भी डालने के लिए फाइव आएगा, इसमें डालने के लिए फाइव आएगा। तो कहां तक चलना है आपके पास, एन टाइम्स तक चलना है, एन एन टाइम्स तक आपको मूव करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितना बन जाएगा, तो पांच के पावर कितना हो जाएगा पास, तो एन हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव टू पावर आपके पास एन करेक्ट होगा, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बन जाएगा पास, फाइव टू पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस आपके पास बन गया पांच टू पावर एन हो गया, क्लियर। एन स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहता है आपके पास, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं हम लोग, अब बोलते हैं सिर्फ मैट्रिसेस कितना होगा, क्लियर है। सिर्फ मैट्रिसेस कितना होता इस केस में क्या आपको चेंज करना पड़ेगा, देखिएगा इसी क्वेश्चन में हम लोग, इसी क्वेश्चन में हम लोग चेंज करते हैं, इसी में अगर चेंज कर देते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या बन के आएगा। देखिएगा अब इसमें क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछते हैं। तो नंबर चेंज क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल हटा देते हैं, क्लियर है। डायगोनल हटा देते हैं, अब बताइए नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, क्लियर। नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना बनेगा, इसको भी हटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पास है, तो हाउ मेनी मैट्रिसेस हो जाएगा, हाउ मेनी मैट्रिसेस ओवर ऑर्डर एन क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एन क्रॉस एन ही रहने दीजिए, एंड सेटिस्फाई 16 ए टू पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 ए हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन को हम चेंज कर देते हैं, ऑप्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए आपका स्क्वायर लगा दीजिए सारा, क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर लगा दिए। अब बताइए कि क्या बन के आएगा पास, क्लियर है। अब आगे क्या पास निकल के आएगा, इसको हटा देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ मैट्रिसेस की बात की हम लोग, तो यहाँ पे सारा एलिमेंट में क्या होगा, जो भी यहाँ पे एलिमेंट बन रही है 1 1 है, 8 2 2 है, क्लियर। यहां से चल जाएगा डॉट डॉट, नीचे भी डॉट डॉट आएगा, इधर से भी डॉट डॉट चलेगा। अब इसके अंदर एलिमेंट जो बनेगा वो आपका एन क्रॉस एन बनेगा। इससे आपके पास यहाँ क्या हुआ, एलिमेंट पुट करने के लिए आपके पास पांच ऑप्शन आ रहा था, क्लियर। एलिमेंट को पुट करने के लिए कितना है, पांच ऑप्शन आया। अब एक एलिमेंट डालने के लिए पांच एलिमेंट आपके पास रेडी है, मतलब पांच टाइप से एलिमेंट किसी को भी डाल सकते हैं उस केस में। अब यहाँ पर जो एंट्री करना है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट जो एंट्री करना है वो आपके पास एन क्रॉस एन चलेगा, मतलब एक के डालने के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब एक को डालने के लिए पांच ऑप्शन है, तो नंबर ऑफ एन टाइप्स एलिमेंट को डालने के लिए कितना हो जाएगा, तो पांच के पावर में कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही होगा। जब मैट्रिसेस की बात किए, आंसर कितना निकल रहा है पास, पांच के पावर स्क्वायर एन स्क्वायर निकल रहा है। लेकिन इसी में अगर डायगोनल की बात कर रहे थे हम लोग, तो पांच टू पावर एन निकल रहा था, क्लियर। फाइव टू पावर क्या निकल रहा था आपके पास, एन आ रहा था। तो इस टाइप से आपको मैट्रिसेस से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो प्रॉपर्टी भी देखेंगे साथ में हम लोग, उसका एग्जांपल भी देखेंगे कि अगर इजी से इजी क्वेश्चन आए मैट्रिसेस में, तो फिर इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना था। इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करें हम लोग, तो आपके पास पढ़ना है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा, क्लियर है। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अरे मैट्रिक्स लीजिएगा
एड मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, ए क्या रहेगा यहाँ पे, ए आई जे रहेगा, ए आई जे रहेगा यहाँ पे, एम क्रॉस एन रहेगा, एम क्रॉस एन रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है, तो कंडीशन क्या रहेगा, अगर आई ग्रेटर जे है, ऐसा लिखना पड़ेगा यहां, क्या लिखना पड़ेगा, जो एलिमेंट होगा ए आई जे, ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। किस केस में, जब आई ग्रेटर जे रहेगा, देखिए इक्वल साइन नहीं है, आई ग्रेटर जे, तो क्या अपने के पास, तो ये बनता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग एल यू एम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर इसी में सेकंड में देखा जाए, अगर सेकंड की बात करें हम लोग, कि कोई मैट्रिक्स इस टाइप से है, यहां भी आपका एलिमेंट होगा ए आई जे, यहां भी एम क्रॉस एन है, अब यहां जो एलिमेंट होगा पास ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन क्या यहां पे रहेगा, तो आई आपके पास लेस देन जे रहेगा, इस केस में क्या बनेगा पास, यहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, यू क्या लगा दिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, यहां क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहां पे एग्जांपल देख लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, लोअर और अपर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स का आ जाएगा। अगर यहां पे हम लोग ले लें, तो अगर यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, इस टाइप से मैट्रिसेस है, क्लियर, यहां पे ए वन वन है, यहां पे ए वन टू है, यहां पे ए वन थ्री है, यहां पे लेते हैं कि ए टू वन है, ए टू टू है, ए थ्री थ्री है, फिर यहां पे लेते हैं हम लोग कि ए थ्री वन है, ए थ्री टू है, और यहां पे क्या डाल दिए, ए थ्री थ्री डाल दिए। अब कंडीशन क्या डालना है, तो ए आई जे को जीरो करना है, कब, जब आई ग्रेटर जे होगा, आई ग्रेटर जे होगा, तो ये मैट्रिसेस क्या बन के आएगा पास, तो मैट्रिसेस जो बन के पास नहीं आएगा, आई ग्रेटर जे है, तो देखिए पहला क्या इक्वल है, तो इक्वल में कोई कंडीशन नहीं है, ए वन टू ए वन थ्री हो जाएगा। अब देखिएगा टू वन है, तो आई कितना हो गया, टू हो गया, और जे आपके पास वन है, मतलब टू क्या वन से बड़ा है, तो आपके पास जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए टू टू, और यहाँ पे क्या हो गया, ए टू थ्री हो गया, आगे क्या हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा, थ्री वन है, और थ्री टू मतलब थ्री बड़ा है, ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे थ्री थ्री हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये क्या बन गया पास, ट्रायंगल बन रहा है। तो जब भी ट्रायंगल आपके पास, देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी जीरो जीरो आपको दिखे और ट्रायंगल क्या हो आपके पास ऊपर साइड की ओर बने, तो बोल सकते हैं कि आपको क्या बन रहा है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, क्या बन रहा है पास, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी टाइप से अगर नीचे वाला टर्म जाए, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बने, तो क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दें हम लोग कि ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा, किस केस में, जब आई लेस देन जे होगा, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, जो मैट्रिक्स बन के आएगा यहाँ क्या होगा, ए वन वन होगा। अब यहाँ जैसे ए वन टू लिखेंगे, ए वन टू लिखेंगे, तो क्या होगा, दो बड़ा हो गया, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वन थ्री भी जीरो होगा, यहाँ से क्या बनेगा पास, ए टू वन है, ए टू टू आपके पास बराबर इसलिए रह गया, ए टू थ्री लिखेंगे तो सेकंड वाला बड़ा है, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर अगर यहाँ पे ए थ्री वन लिखेंगे तो रहेगा, ए थ्री टू भी रहेगा, और ए थ्री थ्री भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप जो मैट्रिक्स बना आपके पास, तो किधर बना, इधर से बन रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन कितना है, नीचे की ओर है, तो एक किसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसके देखिएगा लोअर अपर में आगे जाकर लोग आइगन वैल्यू पढ़ेंगे, आइगन वैल्यू, तो इसमें आइगन वैल्यू क्या होता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेगा, जब भी अपर और लोअर ट्रायंगुलर की बात करें या दोनों को मिला दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अरे क्या पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों को मिला क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्लियर है। जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, वही क्या होता है आपके पास, आइगन वैल्यू होता है। जब लोग आइगन वैल्यू पढ़ेंगे तो वहां पे डायरेक्टली का इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी मिल लेंगे, क्लियर है। जब भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, वो आपका आइगन वैल्यू होता है, क्लियर है। या तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डायगोनल को इंटू कर दीजिए, आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा, क्या जाएगा पास पास, तो डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। अब इसका भी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, क्लियर है, यहां भी प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टी की बात कर लो, तो यहां भी क्या बनेगा पास, तो जो भी दो अगर लोअर आपका अपर ट्रायंगुलर है, तो यहां प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, प्रॉपर्टी कॉलम नहीं है क्या, क्लियर है।
इसका प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं आपके पास है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी में जोड़िएगा तो क्या होगा पास, दो अगर लोअर ट्रायंगुलर है उसको ऐड कीजिएगा तो लोअर ट्रायंगुलर मिलेगा, दो अपर ट्रायंगुलर है दोनों को ऐड कीजिएगा तो अपर ट्रायंगुलर मिलेगा। या किसी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रहेगा, अपर है तो अपर रहेगा, लोअर है तो लोअर रहेगा पास। इस टाइप से इसका प्रॉपर्टीज है। क्लियर है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी को खास नहीं है, सो इसको छोड़ सकते हैं। अब आते हैं एक क्या पास है, ट्री डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग तो ट्री डायगोनल मतलब तीन डायगोनल होगा, इसे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे लेते हैं एन क्रॉस एन लेते हैं, अब यहाँ से क्या होगा एलिमेंट होगा। तो ट्री डायगोनल क्या बोलेंगे, तो एक जो आपके पास बीच वाला एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्लियर, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अगर इसी का एक ऊपर वाला एलिमेंट बोला जाए तो इसको बोलते हैं सुपर डायगोनल, और नीचे का एलिमेंट बोलते हैं उसको लोअर डायगोनल बोलते हैं। क्लियर है, इसी हो गया पास थ्री डायगोनल मतलब तीन डायगोनल होगा, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर डायगोनल। क्लियर, बाकी चलिए फिर क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करें। अब देखिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट आ गया इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस है, कि टू मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलेंगे हम लोग। क्लियर, दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलेंगे हम लोग, तो दो मैट्रिसेस आपके पास रहेगा तो यहां लेंगे हम लोग इफ, इफ टू मैट्रिसेस लेंगे, ए लेंगे हम लोग जिसके अंदर एलिमेंट क्या होगा पास ए आई जे होगा, और आपके पास रहेगा ऑर्डर ले लेते हम लोग, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है तो कोई भी ऑर्डर लीजिए, यहाँ पे एम क्रॉस एन लेते हम लोग, यानी बी लेते हम लोग, अब बी में क्या रहेगा एलिमेंट होगा आपके पास तो बी आई जे होगा, ये क्या रहेगा पास यहां भी लेते हैं एम क्रॉस एन लेते हैं। अब इसको इक्वल कब बोलेंगे, इज सेट टू बी इक्वल इज, सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल इक्वल इफ क्या हो जाएगा, इज सेट टू बी इक्वल इफ क्या होगा आपके पास, पहला ऑप्शन जो आपके पास आएगा, पहला ऑप्शन आएगा पास तो क्या होगा देयर, देयर ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा सेम होना चाहिए, जो भी दोनों मैट्रिक्स का होगा, दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा आपका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर एम क्रॉस एन है यहाँ भी एम क्रॉस एन होना चाहिए, क्योंकि इक्वल दिखाना है तो सारा में इक्वल होना चाहिए एलिमेंट में भी और ऑर्डर में भी। क्लियर है, एलिमेंट भी और ऑर्डर में भी क्या होगा इक्वल होगा। अब सेकेंड की बात करें हम लोग, इसका जो मैपिंग होगा दोनों क्या होगा इक्वल होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोर ऑल ए आई जे इक्वल टू क्या होगा पास बी आई जे होगा, ये दो कंडीशन के पास है, दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों का एलिमेंट भी सेम, तो क्या बोले मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल मैट्रिक्स का दो कंडीशन आपके पास है कि ऑर्डर भी सेम हो और आपके पास उसका अंदर का एलिमेंट भी सेम हो। इक्वल कब भी बोलेंगे हम लोग, जब आपके पास दोनों सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ भी आपके पास टू बाय टू मैट्रिसेस है, यहाँ भी टू बाय टू मैट्रिसेस है, यहाँ लेते हैं वन टू थ्री फोर है, यहाँ भी होना चाहिए वन टू थ्री फोर होना चाहिए, तभी बोलेंगे मैट्रिक्स क्या आपस में इक्वल है। क्लियर है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया। फिर आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस को ऐड करके लिख सकते हैं हम लोग कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा पास। क्लियर है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। तो इक्वालिटी में क्या देखें कि करस्पॉन्डिंग आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे बात करें हम लोग तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा तो सेम होगा आर इक्वल लिख सकते हैं। चलिए इसी बेस में देखिए क्वेश्चन क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो एक मैट्रिसेस लेंगे उसका इक्वल बताना है। क्लियर है, एक मैट्रिसेस लेते हैं, क्वेश्चन सबके पास है, लेट ए मैट्रिक्स लिए, अरे मैट्रिक्स का एलिमेंट आपके पास ले रहे हैं
लोगों के पास 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, क्या के पास है 7 है, 3 5 6 7 है। अब बोलना है कि किसका इक्वल होगा, क्लियर है, किसका इक्वल होगा, तो इज इक्वल इज क्या होगा, इज इक्वल टू विच ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस ओवर ओवर ओवर, यहां पर ले लेते हैं कि जेड टेन लेते हैं, ओवर जेड टेन लेते हैं। अब यहां पे हम लेते हैं यहां पे ऑप्शन में, तो पहला मैट्रिसेस लेते हैं हम लोग, किससे क्वेश्चन आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन है, तो यहां लेते हैं कि 33 है, 33 है, यहां पे पास 25 है, यहां पे लेते हैं लोग कि 26 है, और यहां पे लेते हैं कि आपके पास 49 है, पहला हो गया। सेकंड जो हम लोग लेते हैं यहां पे, इसको देखिएगा आपके पास, तो यहां पे लेते हैं हम लोग कि 23 है, यहां पे लेते हैं कि 15 आपके पास है, यहां पे आपके पास 16 है, और यहां पे लेते हैं हम लोग कि 17 है, क्लियर 17 है। एक सी ऑप्शन भी लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन बताइएगा, तो यहां लेते हैं कि आपके पास कितना है 13 है, क्लियर 13 है, यहां पे आपके पास 7 है, यहां पे पास कितना है तो 17 है, और यहां पे लेते हैं कि आपके पास 15, और डी आपके पास है वो नन ऑफ दीज, क्लियर नन ऑफ दीज। अब बताइए यहां पे इक्वल किसका है, क्लियर है, अब यहां पे है इक्वालिटी से क्वेश्चंस है, अब बताइए इस मैट्रिक्स से कौन सा मैट्रिक्स आपका इक्वल है, क्लियर 3 5 6 7 है इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस ओवर जेड 6, जेड कितना है जेड 10, तो जेड 10 के अकॉर्डिंग बताना है इसका इक्वल कौन सा मैट्रिक्स है, क्लियर है, जेड 10 के अकॉर्डिंग इक्वल कौन सा है, क्लियर है, तो कौन सा इक्वल हो जाएगा। अगर यहां पे इक्वल की बात करें हम लोग, तो इक्वल क्या है, यहां पे जेड 10 की बात कर रहा है, तो जेड 10 क्या बताता है कि जेड का डिवाइजर, और आंसर क्या देगा रिमाइंडर देगा, तो यहां पे देखिए अगर डिवाइड कीजिएगा जेड से तो क्या निकल के आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहां जेड से अगर डिवाइड करते हैं कितना होगा 3 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा तो 3 बच जाएगा, यहां पे क्या लेंगे 3 लेंगे हम लोग, यहां से क्या आपके पास आएगा तो 10 2 20 हो गया, यहां पे 5 आ गया आपके पास, यहां लेंगे पास कितना 6 आ जाएगा, यहां लेंगे तो 9 आएगा, क्या आपको पहले का इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया, यहां पे 7 है तो यहां पे 9 आ रहा है, क्योंकि इक्वल में क्या चाहिए कि दोनों का साइज भी इक्वल हो और साथ में करेस्पोंडिंग एलिमेंट होगा ए आई जे या बी आई जे, वो भी आपके पास क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे साइज तो इक्वल है लेकिन करेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 9 आ रहा है, इक्वल नहीं होगा। इसमें चेक करें हम लोग तो क्या आपके पास निकल के आएगा, तो यहाँ देखिए आपका 23 है तो यहाँ पे 3 निकल के आएगा, यहाँ पे 15 है तो क्या 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा, 16 यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या हो गया अबर जेड फॉप में जेड 10 में आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इक्वल आ रहा है, ए भी इक्वल नहीं आएगा, क्यों नहीं इक्वल आएगा, यहाँ पे 3 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है जबकि यहाँ पे क्या है 6 है, और डी ऑप्शन ऐसी भी नन ऑफ दीजिए। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन बने तो आपका इस टाइप से बनेगा क्वेश्चन, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को ओवर करते हैं और फिर हम लोग आगे मिलेंगे, इसके अंदर हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, क्लियर है, इसका प्रॉपर्टीज है और हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्लियर, एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो आपके पास है, क्लियर है, ट्रांसपोज है, और एक और पढ़ना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, ये दोनों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज और ट्रेस। जब ट्रेस पढ़ लेंगे हम लोग तो फिर से जान लेंगे डायगोनल में, और डायगोनल का एक और प्रॉपर्टी आएगा पास, डायगोनल्स का एक और प्रॉपर्टी नया निकलेगा, क्लियर। इसी टाइप से अब जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा, ऐसे तो पहले से जानते होंगे, क्लियर है, जब भी कोई भी टॉपिक बनाइए, कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, इसके बाद आप पेज छोड़िएगा कम से कम 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज वहां पे छोड़ के आगे जाके फिर मूव कीजिएगा, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो वहां पे पेज छोड़िएगा,
इससे क्या होगा कि हायर मैथ है, आगे पढ़ाते जाएंगे नया नया प्रॉपर्टी आते जाएगा। अब प्रॉपर्टी क्या होगा कि जैसे पहले अभी यहाँ पे मैट्रिक्स देखे, या तो अभी हम लोग बात की हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का, तो डायगोनल मैट्रिक्स अभी प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब जैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, एक और प्रॉपर्टी आएगा पास, जैसे हम लोग ट्रेस पढ़ेंगे उसके बाद फिर डायगोनल का प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लियर है? जैसे हम लोग आइगन वैल्यू में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, सम ऑफ क्या होता है पास डायगोनल एलिमेंट होता है। ये सब सारा क्या होगा, इंक्लूड होगा आगे जाके सारा क्या होगा, इंक्लूड होते हुए चलेगा। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवीजन कीजिएगा, ध्यान रहे, जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको एक टॉपिक से पूरा स्टोरी माइंड में आ जाएगा। क्लियर है कि डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो डायगोनल का प्रॉपर्टी देख के ही आपका सारा स्टोरी दिमाग में आ जाएगा, किस चीज चैप्टर में क्या था, कहाँ इसका यूज है, किस किस कंडीशन में इसका यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो सारा आपके पास दिमाग में आते हुए चलेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मैट्रिक्स कंप्लीट होगा पता चलेगा इसमें वेक्टर स्पेस बेसिस और डायमेंशन पढ़ने लगेंगे, तो वहां भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी बनेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा। तो सब सारा क्या होगा, जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वहां से जो प्रॉपर्टी आएगा वहां तो लिखिएगा ही आगे, लेकिन जब जहां पेज छोड़े हैं वहां भी मेंशन कर दीजिएगा, तो बहुत आपको इजी होगा एट द रिवीजन टाइम। फिर डायरेक्टली आपको ओपन करेगा, लिंक कर देगा टॉपिक को, इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक में लिंक हो जाइएगा, और जैसे लिंक हो जाएंगे तो दिमाग में खुल के आ जाएगा सब सारा चीज। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे क्लास को हम लोग ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यू आगे वाले पार्ट। क्लियर है? चलिए, सभी को थैंक यू, जय हिंद।